हेलो एंड वेलकम बैक टू टेक बॉक्स टॉक फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज से जो है बाइंग गाइड का एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसका ये पहला वीडियो है। मैंने ये सीरीज जो है लैपटॉप से स्टार्ट किया है फ्रेंड्स। तो हम लोग लैपटॉप लेने से पहले, खरीदने से पहले किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में आज बात करेंगे। इसको हम लोग जो है और भी इजी करने के लिए पांच चीज़ों में इसको क्लासिफाई करेंगे हम लोग। परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, ऑपरेटिंग सिस्टम, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी एंड डिज़ाइन। सो इसका जो सबसे पहला एस्पेक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे, वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। लैपटॉप को परफॉर्मेंस देने के लिए हेल्प करता है फ्रेंड्स प्रोसेसर, रैम, इंटरनल मेमोरी, बैटरी और ग्राफिक्स कार्ड। ये जो पांच चीज़ें हैं ये उसका परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए उसको हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें शामिल है कि उससे अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इंटेल और एएमडी ये दो कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाती है लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स के लिए। इंटेल की प्रोसेसर की बात करें तो i3, i5, i7 ऐसा इसका क्लासिफिकेशंस है, जो i7 उसमें हायर एंड है और i3 जो उसमें लोअर एंड है। एएमडी की अगर बात की जाए तो राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, जिसमें राइजन 7 जो है वो हायर एंड है और राइजन 3 जो है वो लोअर एंड है। इसका मतलब जो स्क्रीन पे दिखाए गए प्रोसेसर्स में इंटेल कोर i7 और AMD Ryzen 7 जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे एज कम्पेयर टू Ryzen 3 एंड Intel 3। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स रैम। तो रैम जो है आपका जो बैकग्राउंड में जो आपके जो भी एप्लीकेशंस चलते हैं, तो मल्टीटास्किंग के लिए जो जितना अच्छा रैम होगा उतना अच्छा आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे फ्रेंड्स। रैम में दो टाइप होते हैं, DDR4 एंड DDR3, जिसमें DDR4 जो है वो फास्टेस्ट है। इसके बाद में आती है आपकी इंटरनल मेमोरी, तो जिसमें SSD जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव वो बहुत ही अच्छा, इफिशेंट और फास्टेस्ट है। कुछ भी डेटा ट्रांसफरिंग के लिए या कॉपी करने के लिए सबसे बेस्ट है SSD। बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको बैटरी बैकअप भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो जितना बैटरी बढ़ेगा, जितना बिगर बैटरी रहेगा उतना उसका वेट भी बढ़ेगा लैपटॉप का, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में हमारा आता है ग्राफिक्स कार्ड फ्रेंड्स। ये जो है आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो तो वो ग्राफिक कार्ड के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है वो कितना अच्छा आपको दिखेगा। रैम की ही तरह जितना ज़्यादा GB वाला आपका ग्राफिक कार्ड होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका जो है विजुअल आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे आपको कुछ ग्राफिक्स कार्ड के टाइप्स और उसकी कंपनी के हिसाब से उसका जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो आप उसे पॉज करके प्लीज़ पूरा डिटेल में देख लें। इसके बाद में आपको देखना होगा फ्रेंड्स कि आपको स्क्रीन साइज़ क्या चाहिए। मेनली जो है 11 इंच, 13 इंच, 15 इंच एंड 17 इंच इसके जो है कॉमन लैपटॉप्स होते हैं, उसमें जो 15 इंचेस है वो मोस्ट कॉमन लैपटॉप है। फिर आता है आपको कौन से रिजोल्यूशन में चाहिए, जैसे HD रेडी, फुल HD या 4K। तो जो भी रिजोल्यूशन आपको स्क्रीन में चाहिए तो उस हिसाब से आपका जो है प्राइस भी इंक्रीज होगा। थोड़ा सा हायर एंड में आपको टच स्क्रीन भी मिल जाता है लैपटॉप्स में। फिर इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एप्पल का जितना भी लैपटॉप्स होता है तो उसमें एप्पल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और क्रोम बुक्स के लिए क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है फ्रेंड्स। फिर इस सब के बाद में आपको बेटर कनेक्टिविटी भी चाहिए होगी। ब्लूटूथ और वाईफाई के अलावा USB टाइप ए, USB टाइप सी, कार्ड रीडर, HDMI पोर्ट, VGA पोर्ट और थंडरबोल्ट। ये सब आप डिफाइन कर सकते हैं खरीदते वक्त, या तो बाय डिफॉल्ट भी आते हैं सिस्टम्स में। इस सब के अलावा 2-in-1 लैपटॉप्स भी आते हैं जो डीअटैचेबल होते हैं, जिसका जो वो टैप के जैसा भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कीबोर्ड से कनेक्ट किया जाए तो लैपटॉप जैसा भी इसका यूज़ हो सकता है। और हायर वेरिएंट में आते हैं कन्वर्टेबल 2-in-1। तो ये इसका डीअटैच तो नहीं होता है स्क्रीन, लेकिन ये 360 डिग्री में पूरा टर्न हो जाता है फ्रेंड्स। ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है फ्रेंड्स, ये आपके जो आप सिस्टम से काम लेने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है।
जैसे गेमिंग लैपटॉप भी आता है तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड भी जो है 8 GB प्लस होता है, रैम भी उसका होता है वो 8 GB प्लस होता है, और हार्ड डिस्क भी उसका जो होता है वो 1 TB प्लस होता है। प्रोसेसर उसका i7 होना चाहिए और 10th जनरेशन रहेगा तो अति उत्तम। SSD हार्ड डिस्क जो है वो कम स्टोरेज में अवेलेबल होती है लेकिन उसका प्रोसेसिंग फास्ट होता है, डाउनलोडिंग भी। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप सिस्टम से क्या काम लेने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होती है और उसके हिसाब से आपका जो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है फ्रेंड्स, और उसी के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस भी मिलता है। मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको जो है कुछ हेल्प की होगी एक अच्छा लैपटॉप बाय करने के लिए। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट्स को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।